श्री अकाल, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। भाई मौक में तो बज चुके 10, तो आज हम पूरी फैमिली विद फैमिली गुरुद्वारे जा रहे हैं भाई। तो आज मस्या है तो बहुत अच्छी रौनक होगी, तो आज आपको पूरा दिखाएंगे, गुरुद्वारे का इतिहास भी बताएंगे, गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन भी कराएंगे। बस वीडियो में पूरा एंड तक बढ़े रहना, जुड़े रहना। आज हम जा रहे हैं गाड़ी में, तो फिर त्याग लेते हैं, पग भी मान लेते हैं, थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, तो फिर मिलते हैं आपको गुरुद्वारे के अंदर। दोस्तों हम रेडी हो चुके हैं, पग से बांध लिया अपने, त्याग से हमारी गाड़ी ये है भाई, इस गाड़ी में चलेंगे। ये गाड़ी है भाई हमारी, तो गाड़ी में चलते हैं भाई। अभी सभी रेडी हो गए, गाड़ी भी रेडी हो चुकी है। चलो जी हम रवाना हो चुके हैं भाई गाड़ी के लिए, तो ये घंटे में पहुंच जाएंगे हम भाई फिलहाल गुरुद्वारे के अंदर। तो रोड बिल्कुल साफ़ है, तो मौसम भी बहुत साफ़ है भाई, क्लीन है, हरे भरे पेड़ और गाड़ी, और क्या चाहिए भाई। बस थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे हम। आधा रास्ता तो हम पार ही कर चुके हैं, बस 15-20 मिनट में पहुंचने वाले हैं भाई। तो रोड बिल्कुल क्लीन है, थोड़ा कम ही जाते गाड़ी गुड़ियाँ, तो इस टाइम थोड़ा ठीक हो जाता है मौसम, तो रोड रोड में कम ही जाती है गाड़ियाँ। तो गांव का शहर गांव है ना, तो गांव में थोड़ा कम ही चलता ट्रैफिक। बस पहुंचने वाले हैं गुरुद्वारे, गुरुद्वारा धमतान साहिब। ये कृपैन देख लो भाई, गेहूं गेहूं काट के आए होंगे अभी। लो जी हम पहुंच गया गुरुद्वारे के गेट के पास। ये वाइट वाइट की दिख रही होगी आपको, ये गुरुद्वारा साहिब है, गुरुद्वारा धमतान साहिब। तो इस टाइम बहुत रौनक हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, आप देख ही सकते हो, बाहर इतनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, मेला भी बहुत तगड़ा तगड़ा लगा हुआ है। इस साइड में ग्राउंड है, तो यहाँ पे मेला लगा हुआ बहुत तगड़ा, तो इसलिए बहुत भीड़ है, बहुत दूर दूर से लोग आए, पंजाब से ज़्यादा है भाई। ये गुरुद्वारे का मेन गेट है, तो हम दूसरे साइड गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, जहाँ जगह मिलेगी तो वहीं पर पार्किंग करेंगे भाई। क्या करें, इतनी भीड़ बहुत ज़्यादा भाई, बहुत लोग आए, बहुत संगत आई है। हम पहुंच गया गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारा धमतान साहिब, तो आप दर्शन कर सकते हो। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी, वाहेगुरु वाहेगुरु। देख लो कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगा रखे हैं। हम गुरुद्वारे के बैक साइड आ चुके हैं, जहाँ पे सरोवर है, तो आपको दिखाता हूँ। ये सरोवर है, कितनी जनता, ये देख सकते हो कितनी संगत है। सरोवर की खुशी में अभी स्नान करेगी गुरुद्वारा साहिब। तेरे तक
अच्छे से बोल रहे हैं। ये हमारा गोलू स्नान कर रहा है, मेरा भांजा गोलू। देखो मछली से बहुत डरता है, मेरे पास पास में जाने से डर रहा है। देखो मछली आ गई ना पीछे से डर रहा है, तो इसको मैं बोल भी रहा हूँ डरने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहती है। देख सकते हो कितनी मछलियाँ, मछलियाँ बहुत ज़्यादा, पहले बड़ी बड़ी थी, अब छोटी छोटी सी बड़ी निकाल दी होंगी ना, अब छोटी सी मछलियाँ ज़्यादा नहीं है। ये देखो एक साइड कितनी इकट्ठी हो गई। वाहेगुरु वाहेगुरु। हमारा गोलू मेरे को बलजीव ने मेरे फौजी सिंह सत्ता देता साहबजादे शहीद न। आप दोस्तों सोनक चेक करो कितनी भीड़ है। आज मंडे है ना, तो मस्या भी आई है, मस्या सोमवार को, मस्या को बहुत मानते हैं लोग, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इधर जल जीवा पिला रहे तो लोगों की भीड़ इधर ज़्यादा, तभी तो लंगर भी चालू है, तो हम लंगर खाने भी चलते हैं। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ मम्मी पापा का, तो आ गए। ये हमारा गोलू पिएगा भाई, जल जीवा देख लो। तो इस साइड सामने है लंगर हॉल भी है, तो बाहर की तरफ चाय चूय पिला के तो हम अंदर चलते हैं, तो लंगर लंगर खाते हैं, चखते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, वाहेगुरु वाहेगुरु। चलो भाई आ गए हैं सभी, तो चलते हैं लंगर खाने के लिए। इन्हें गोलू हमारे लिए लंगर की प्लेटें ले रहा है, चाट रहा है, तो चलते हैं आगे। लेके आ गए गोलू तो प्लेटें बर्तन, तो ये जहाँ टेंट लगवाए यहाँ पे चाय चूय पिला गए हैं, तो अंदर की तरफ लंगर चालू हो चुका है, तो चलते हैं अंदर। वही काट लाऊंगा गिलास में, काट लाएंगे थोड़ी। वो दोस्तों हम घर पे वापस जा रहे हैं भाई, अपने मत्था मत्था टेक लिया है, लंगर लंगर भी खा लिया, तो घर की तरफ रवाना हो चुके हैं भाई। तो घर में भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा। इतनी भीड़ थी भाई पूछो मत, बहुत संगत थी, बहुत रौनक थी गुरुद्वारे के अंदर। तो एक घंटा हमें फिर वापस जाने में लग जाएगा। तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ने लग गई थी, बहुत ज़्यादा हवा चलने लगी थी, मेला देखने का बहुत मन था भाई, फिर क्या करें, मेला देखने गया भाई। इतनी गर्मी, इतनी धूप, इतनी दुनिया थी भाई, ये देखो भाई। तो इसलिए घर जल्दी निकलना पड़ा, तो चलते हैं घर की तरफ। जस्ट दोस्तों अभी पहुँचे हैं घर पे, गर्मी का तो पूछो मत, बुरा वाला भाई, इसमें भी पूरी गर्मी है गाड़ी में भी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। तो आज हम गुरुद्वारा दमतान साहब गए थे विद फैमिली, तो सभी गए थे। तो आज मस्या थी ना, तो सोमवार मस्या को बहुत मानते हैं लोग, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रौनक थी, बहुत अच्छा लगा दिल को, बहुत सुकून मिला भाई, बहुत अच्छा फील हुआ। संगत देख के, रौनक देख के तो मन खुश हो गया भाई, बहुत अच्छा। लंगर की व्यवस्था भी बहुत अच्छी कर रखी थी, बहुत बढ़िया था। मेला भी बहुत तगड़ा लगा था, मेला तो मैं देखने गया नहीं भाई, धूल मिट्टी इतनी थी भाई, हवा इतनी चल रही थी, उच्च इतनी दुनिया थी भाई, गर्मी भी इतनी थी, तो खुशी भी छोटी है मेरी बच्ची, तो इसलिए जल्दी आ गए हम।
हम 1 बजे निकले थे घर से, तो मैं 4 बजे तक पहुँच ही गए थे। एक घंटा जाने में लगा, 1 घंटा आने में, 1 घंटा वहाँ पर गुरुद्वारे में, तो मतलब 3 घंटे, 4 बजे में पहुँच गए घर पे। तो इसलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। मेरे एक यार दोस्तों, मेरा वॉच टाइम बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो रहा, मज़ा नहीं आ रहा दोस्तों वीडियो बनाने में। अब भी मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया को, लाइक किया को, शेयर किया को, तो फिर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कैसी लगी वीडियो। तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं एक नवी वीडियो के साथ, एक नवी जगह के साथ। तो इजाज़त दो, बाय बाय। और दोस्तों गर्मी से बच कर रहना भाई, बाय बाय।